मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा है, उस पर लड़कियों को ढूंढ रहा है, बट इसको एक भी लड़की नहीं मिली, एक भी एक भी लड़की नहीं मिली। फिर आपको मिलते हैं अंकल, झूठ मत बोल, हम उन्हें रोस्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं साला हॉर्नी और लड़कियों को ढूंढते हो। सो गाइज वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ हॉस्टल लाइफ। तो यार आज ना बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है कि भैया जो 13 तारीख से जो मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे ना, वो फाइनली जो ऑनलाइन ऑफलाइन होने वाले थे, वो आज रिपोर्ट मतलब एक नोटिस आ गया है और नोटिस में कहा गया है कि ऑनलाइन होंगे एग्ज़ाम, ऑनलाइन होंगे। तो ये आज ना सेलिब्रेशन का दिन है। और मेरे साथ मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कुछ ऐसे गधे लोग हैं ना मेरे साथ, मतलब मुझे शर्म आती है कि ये मेरे दोस्त क्यों हैं। ये जो लड़का है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका इतना बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब दुनिया में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट हो तो उसमें तो नहीं आ पाऊंगा, बट थोड़ा बहुत तो फ्रेंड इसका। ये पता क्या कर रहा है गाइस, मैं सुबह से ही उमेगले पे बकचोदी पेल रहा है। उमेगले पे लोगों को रोस्ट करना इज माय टैलेंट, दैट्स माय टैलेंट सबको। मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा है, उस पर लड़कियों को ढूंढ रहा है, बट इसको एक भी लड़की नहीं मिली, एक भी स्टार्टेड आप पहले लड़की को देखिए, एक भी लड़की नहीं मिली। फिर आपको मिलते हैं अंकल्स, झूठ मत बोल, हम उन्हें रोस्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं साला हॉर्नी और लड़कियों को ढूंढते हो, हॉर्नी कहीं का, आपको मिलते हैं और लौंडे, फिर आप उनको रोस्ट करते हो। कर करके मेरे अंदर का जो रोस्टर है वो जाग गया है, अब मैं किसी को भी रोस्ट कर सकता हूं। मैं ये देखिए इसकी व्लॉग आप क्यों देख रहे हो, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपने इस वीडियो को डिसलाइक नहीं किया इस लड़के की बिल्कुल मत सुनना। इसे खुद अपना नाम दो, उसको खुद को पता है नहीं क्या नाम है तेरा। अब भी किसी ने बोला था क्या है मेरा नाम? ओह ये साला, सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब ये मणिलाल, हाँ स्मार्ट है। करण बवार किधर जा रहे हो? अरे देखा, मैंने कहा था ना इसे खुद को अपना नाम पता नहीं है, ये मेरे बारे में क्या बताएगा। इसका प्लान ये देखिए, आज का बहुत बड़ा प्लान होने वाला है। मैं अभी घर जाऊंगा और खाना पी के सो जाऊंगा, खा पी के सो जाऊंगा और बस दैट्स द प्लान मैन, यू जस्ट सॉल्व अबाउट रेस्टिंग। सुना से इस सेम का तो प्रिपेयर नहीं हुआ, ये अगले सेम का प्रिपेयर कर रहा है। क्या बोल रहा है, मैं बुक्स लेने जा रहा हूं मार्केट में, अगले सेम की पढ़ाई शुरू कर रहा हूं। देखिए रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ल देख रहे हो इसकी? या देखिए सर, ये शक्ल देख रहे हो इसकी? मैं एक्चुअली एक आर्टिस्ट हूं, एक रैपर हूं, एक सिंगर। तो ये करण, तुझे रियलिटी बता, तेरे मुंह में दांत कितने हैं? मेरे मुंह में दांत वात तो होते रहते हैं भाई। कितने हैं? 30-35 होने चाहिए। गिन, अभी गिन, अब ये दांत गिनेगा। मैं गिनता हूँ इसके दांत। मेरे मुंह में मत जाइए प्लीज, कैमरा मेरे मुंह में मत डालिए, ये असली चीजें हम नहीं करते। असली नहीं, वो सब ये वाली वीडियो नहीं है कि हम तुम्हारे मुंह में कुछ डालें। ये रहा नहीं जाता, तड़प ये पी है ना। तो ना भैया आज ना अब सेलिब्रेशन का दिन है, और सेलिब्रेशन के दिन में क्या है, मुझे जाने का मन हो रहा है, मतलब मैं सराफा चला जाऊं, कुछ बढ़िया मस्त खा पी के आऊं, कुछ मतलब जो भी वहां पे, मैं सही बता रहा हूं, मैं कभी तक गया नहीं हूं, बट मेरी जाने की बहुत इच्छा है। और इस लड़के से अगर पूछो ना कहाँ जाना है भाई, कहीं भी जा सकते हैं भाई, कहीं भी जा सकते हैं, पर पता नहीं कहाँ जाना है, बोल रहा है कहीं भी जा सकते हैं। ये कल से पता है, ये सिर्फ यही एक मंत्र जब मतलब बोल रहा है कहीं भी जा सकते हैं, बट कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। देखा यार, मेरे को ना मतलब ऐसा लगता है यार, एकदम जिंदगी खराब हो गया है मेरा यार, क्यों यार ऐसे लोग मेरे क्यों। हाँ तुम्हें जगह का नाम बता, कहाँ जाना है? वो अपना कहीं भी जा सकते हैं यार। अगर गाइस मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपके भी ऐसे फ्रेंड हैं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। मतलब यार हर ग्रुप में ना एक तो चूतिया फ्रेंड होगा ही होगा, भैया हमारे ग्रुप में एक ये चूतिया है। कौन है अपने ग्रुप का? कौन है
मतलब मैं बताता हूँ ये लड़का क्या कर रहा है, इधर बता। अरे मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ यार, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ यार, देखो यार इंस्टाग्राम। मेरा फोन नल दीजिए, मैं इंस्टाग्राम लोगों को दिखा दूँ अपना। चलो मेरा नंबर ले लो, चलो मैं नंबर देता हूँ, मेरा नंबर। तीसरा लड़का मैं से कर, गेट आउट ऑफ माय रूम, निकल। अरे बिल्कुल नहीं सर, देखा कहीं भी जा, अभी जा। अरे बाद में जाऊंगा ना। ये मेरा, और पता ये इसका बेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इससे मना, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकल, बट इस साल को ना जरा सी शर्म नहीं है। बेड किसी का नहीं होता यार, बेड सबका होता है यार। चल देखा क्यों आता है यार ये मेरे रूम पे, प्लीज यार, इतना मेरा जिंदगी खराब हो गया है यार, मैं क्या होना, ये क्यों आ जाता है यार, भगवान मुझे आप बताओ, आप बताओगे ये लड़का अगली बार से आना चाहिए मेरे रूम पे कि नहीं आना चाहिए, ना बताना प्लीज।